आप इस निकाह को कबूल करते हैं? कबूल है। माशाल्लाह। रेडी विद द पगड़ी। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। सही बात। जैसा ग्लास आएगी डोले छेठो ट्यूब दिया हो बोलो। जी हाँ, कब हो रही है तेरी शादी? बस साफ के बाद। नाचेंगे दूल्हे के मम्मी और पापा। ऑलराइट गाइज, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारे घर में एक शादी हो रही है मेरे कज़न की। तो ये व्लॉग सब उसी के बारे में होने वाला है। और जो मेरे चैनल पे ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए आते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप कुछ दिन और रुको, ट्रैवल अभी हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अबू हुरैरा एंड यू आर वॉचिंग एचक्यू व्लॉग्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे घर में एक शादी हो रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाऊं कि हमारे घर में कैसे शादी होती है, क्या रस्में होती हैं। सो इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो ही इज द एल्डेस्ट बट द यंगेस्ट लुकिंग कजन ऑफ आर फैमिली एंड ऑल्सो द ग्रूम टू बी खालिद दा। इनकी उपटन हो गई थी परसों हुई थी ना उपटन? हाँ, परसों उपटन हो गई थी और आज कुछ रस्में होगी हमारी। और ये इनकी ही शादी है जैसे बोल दूँ मैं, तो आज कुछ रस्में होंगी। सबसे पहले तो शायद नीलाना होगा, जो कि मामू नीलाता है। मामू नीलाते हैं, बड़ा भाई नहीं, मेरा बड़ा भाई नहीं है, नहीं तो वो नीलाते, उनका ज़्यादा हक पड़ता, लेकिन वो नहीं है तो मैं इनको नीलाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और खालिद भाईजन, कैसा फील हो रहा है शादी से पहले? मिक्स्ड इमोशंस है, नर्वसनेस भी हो रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रहा है। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या मालूम। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। ओके सो अब होगी वो पानी डालने की रस्म, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो यहाँ पे होगी। इसमें क्या क्या डालना है? गुलाब जल और गुलाब की पत्ती। और गुलाब की पत्ती तो यही होगी, जैसे मामू का हक बनता है पानी डालने का। जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरा बड़े भाई सिलीगुड़ी में, तो मैं ही हूँ यहाँ पे अभी छोटा मामू, तो मैं उनके पानी डालूंगा। और यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं अभी। ये अम्मी है बन। हाँ, ये अम्मी, ये उनकी बड़ी बाजी, ये एडविना आंटी, ये रोशन आंटी, और ये हमारी अम्मी। और ये जो पानी डालने की रस्म होती है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग फॉलो करते हों, शायद कुछ लोग फॉलो करें कुछ लोग फॉलो नहीं करें, बट हमारे यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग कि अगर मामू जैसे पानी डालता है शादी से पहले, एक रस्म है। अब पहली रस्म जो है कंप्लीट हो गई। और ये हमारे बांधी के भतीजे, ये हमारे भांजे। अब देखो ये हुआ कि मिठाई खिलाना भूल गए। मिठाई भी खिलानी थी और वो शायद भूल गए। लो सदा देखो, अब ये बाथरूम में खिलाई जाएगी मिठाई। भूल गया ये तो मिठाई भी तीन बार की एक बार। बस हो गया। ये तो मैं ही खा लूं। ले बाबू। और इसी तरह पहली रस्म होती है कंप्लीट। ओके गाइस, सो नाउ वी आर रेडी, सब लोग ही तैयार हो गए। एंड ओवर हियर वी हैव शारिक, ही इज खालिद भाई का छोटा भाई। एंड सारी जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें इसी ने मैनेज करी हैं यहाँ पे। एंड ही इज लुकिंग रियली गुड भाई। सो क्या 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 होना है आज, कैसे हो रहा है सब तू बताएगा। तो एक्चुअली शादी बहुत पहले होने वाली थी, एंड 22nd of March जिस दिन लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के चलते शादी हो नहीं पाई। तो अब जाके ये फाइनली ये शादी होने वाली है। तो भाभी जो है वो है गुवाहाटी असम की, तो पैंडेमिक के चलते हम लोग जा नहीं पाएंगे वहाँ पे, तो उन लोग अभी सिलीगुड़ी में आ गए। तो हम लोग बारात लेके करशियोंग से सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी से कंटिन्यू होगी बारात, और हम लोग भी करशियोंग गए, तो
सो यहीं से बारात जाएगी और वहाँ पे सिलीगुड़ी में सब शादी जो निकाह होता है हम लोगों का वो होगा, और बाकी यहाँ पे जो है क्या ये शारिक बताएगा, ग्रूम बैठे हैं अभी, इन्हें अभी हम लोग तैयार करेंगे, ये है इनकी ड्रेस, शेरवानी, शेरवानी है और पगड़ी, टोपी और सब कुछ, सब कुछ है। सो अब आगे आगे जो जो होते जाएगा मैं आपको अपडेटेड रखूँगा, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड ये व्लॉग को आप आखिर तक देखिए। ओके गाइस, सो ये है सेरा जो कि बहुत सारे रोजेज और फ्लावर्स से सेरा बांधने से पहले ना भाभी लोग जो हैं, अच्छा, जितनी भी भाभी होंगी घर के अंदर की, चार हो, छः हो, पाँच हो, चार हो, दो हो, अच्छा, तो वो भाभी सब जो है सुरमा लगाती पहले। अच्छा, पहले सुरमा लगाती है। हाँ, पहले सुरमा लगाने के बाद से फिर ये सेहरा बांधा जाता है, फिर बारात निकलती है। अच्छा, और ये सेहरा, और जैसे नॉर्मल एक बाराती और दूल्हे के बीच जो डिफरेंशिएट करता है वो ये सेहरा ही करता है, और ये सेहरा भी अलग ही तरीके से लगता है। पहले जो छः शादीशुदा औरतें होती हैं वो अपने सर पे रखती हैं सेहरे को, और जो सातवीं दफ़ा रखा जाता है, जो बांधते हैं, ये दूल्हे के सर पे बांधा जाता है, और उसके बाद जो है बारात लेके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और ये जो ये जितने भी बाराती हैं सारे पगड़ी लगा रहे हैं, पिंक पगड़ी है जिस पूर्णिया की, जितने भी यहाँ से बाराती जाएंगे वो सारे ही लोग ये पिंक कलर की पगड़ी लगा के जाएंगे। ओके, सो रेडी विद द पगड़ी। कि तुमने क्यों लगवा लिया, तुम तो मना कर रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, कंपलसरी है, चाहू के लगानी बाकी है। चाहू हमेशा बोलता था मेरी जिम की वीडियो बनाओ, एक्सरसाइज की वीडियो बनाओ, नहीं हो रहा है, नहीं बना रहा है ये, कैसे आपने लाइक और सब्सक्राइब। सो एवरीवन इज हैप्पी, सब लोग खुश हैं, यहाँ पे अलग ही माहौल बना हुआ है, यहाँ का माहौल बना हुआ है सब एकदम पिंक पिंक माहौल में, पिंक पिंक सब गुलाबी। अब सारा रसम वसम सब खत्म हो गया है। yep. अब कब यहाँ से सिलीगुड़ी डायरेक्ट हो गया, यहाँ से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से सिलीगुड़ी से घोड़े पे चढ़ेंगे, भाई हमारे भाई घोड़े पे जो है, नहीं जो है राम से निकाह होगा, भाई आते हुए जाएंगे। तो गाइस सब अब रस्में तो सारी खत्म हो गई हैं। अब शायद वैसे मुझे भी इतना नहीं मालूम है, पहली बार की शादी इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, सबसे पूछ पूछ के क्या है क्या नहीं है, मुझे मालूम है शादी के बारे में, मुझे बस वही वैसे ही हो रहा है बस। अब जैसे जैसे होते जाता है वैसे वैसे दिखाते जाऊंगा, तो लेट्स गो। वैसे तो 4 बजे हम लोग का निकलने का था यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 5-6-7 बजे तक शायद पहुँच जाए हम लोग। एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड यार, सबके चेहरे पे खुशी। सिलीगुड़ी टूरिस्ट सिलीगुड़ी इज प्रॉब्ली गोना टेक 1 आवर विल बी देयर, और वहाँ से फिर हम लोग उतर के बारात जाएगी घोड़े पे। सो आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, तो उन्हीं के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं देर से आने का नतीजा। सबने तो पगड़ी बांध ली, और भाई अब यहाँ रास्ते के बीच में पगड़ी बांध रहा है। हम लोग अब स्कूल में थे तो वी प्लांटेड ऑल दिस ट्रीज, जो जितने भी रोड के साइड में देखेंगे, पहले भी बोला था मैंने वहाँ से ऊपर तक सारी पेड़ हमने ही लगाए हैं। पेरिस में आप सोच लो आईफिल टावर है, हमारे कर्शांग में वो इसी तरीके से टीवी टावर है, टीवी या फिर आप बोल लो आईफिल टावर लाइट,
सामने में सीधा बाकी बल्ला में तेरा पसंद है खाने चबा रहा हूँ का नंबर yes! है अब खाली खाली राय की शादी होने वाली इसी का नंबर है जी हाँ कब हो रही है तेरी शादी बस आपके बाद बस आप क्या मेरा भांजा है कहाँ भतीजा ये मेरा भतीजा अब मेरा भतीजा बनेगा सेरा क्या बनेंगे सेरा गाय पे बैठेंगे अब बग्गी पे नहीं घोड़े पे डरेंगे तो नहीं पक्का मम्मी और पापा ओके गाइस सो वो फुल ऑन एनर्जी डांस के बाद अब फाइनली टाइम है निकाह का और निकाह हो रहा है कोर्टयार्ड बाय मैरियट में एंड ही इज माय एल्डर ब्रदर योर नेम शबाब कुरैशी और बहुत लोग कहते हैं कि ही लुक्स लाइक मी यू लुक लाइक मी जो कोई भी है वाइस वर्सा इज द सेम सो अरेंजमेंट्स आर वेरी गुड चिकन टिक्का लग रहा है स्टार्टर से ही हम लोग का पेट भर जाएगा ये इतना बड़ा तो नहीं खाऊंगा अब खाना तो नहीं खाएंगे खाएंगे वो भी खाएंगे लेकिन स्टार्टर से पेट भर गया पर खाना से और अच्छे से पेट भरेंगे अभी तो भरना बाकी तो भी दूल्हा ये मॉडर्न दूल्हा ये किसी चीज़ का तकल्लुफ नहीं करता सब खाते हैं ना एक बार खा भी लीजिए कुछ जिसने करी शर्म उसके फूटे करम सही बात मुझे एक वो रेड कलर वाला दे दो चाकू तक ये नहीं पिया ये मोई तो पीना अच्छा पी तो
हुन्छ ओके हजुर ये दे दो अरे 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 दे दो ये दे दो ना भाई यहाँ दे अबे हैं नहीं ये बात नहीं क्या करो करो हो गया सर ये लोग आ रहे हैं ये लोग मास्क पहना हुआ अच्छा हो गया अंदर ही अंदर खूब हंस रही हाथ हाथ कर दिया भाई लेकर तुमने हाथ कर दिया और कुछ और कुछ और कुछ ये खाली कर ले पहले हमको दिक्कत हो गया ना बाद में अब वहाँ पे जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं फॉर निकाह एक बार जो ये निकाह हो जाएगी उसके बाद ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे ये जैसे फेरे लेते हैं वैसे ही हमारे वहाँ पे होता है निकाह उस निकाह होने के बाद खड़ा हो जाए जो कुबूल है आपने देखा होगा अक्सर मूवी वगैरह में वही होता है वो होने के बाद शादी कम्प्लीट हो जाएगी अब जो है ये निकाह का प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آپ کا نکاح شہناز خان کے ساتھ کرا رہا ہوں کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں पूरा नाम लिख के पूरा नाम ले माइक में सलाम कर दो खड़े होकर के उधर घूम दो उधर अस्सलाम वालेकुम पानी पीके वाला मुबारक हो निकाह मुबारक हो ठीक है सो कुछ इस तरीके से होता है निकाह अब निकाह कंप्लीट हो गया है सब मुबारकबाद दे रहे हैं खालिद भाई को और जो दुल्हन का निकाह होता है जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं एकदम साथ में बैठ के होता है कि निकाह वैसे नहीं होता है रियलिटी में दुल्हन जो होती है वो अलग जगह पे होती है और जो दूल्हा होता है वो यहाँ पे होता है निकाह के बाद थोड़ा मुँह मीठा होता है तो उसमें ये देते हैं तो उसमें चॉकलेट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं इसमें तो सबको बांटी जाती हैं ये सारी चीज़ें ये तो गले पे पट्टी डाल के बुला लिया क्या हो रहा है आरिश बताएगा अब यहाँ पे अभी दूल्हे राजा आएंगे हाँ दो लड़कियाँ बैठी वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कौन उनकी होने चूज करेंगे कौन उनकी है भाभी ओरिजिनल उनकी बीवी कौन है और हमारी भाभी कौन है हमारी मवानी कौन है अच्छा मवानी कौन है Well, he guessed it right. That's all I guess, sir. जूते मिले 5,000 रुपए में 5,500 अभी यहाँ पे इंतजाम किया वो किया हमीद भाई ने सिल्लीगुड़ी में है ना बहुत ही अच्छा इंतजाम करा आपने है ना और ये भाई भी थे सारे चलो तो अब विदाई होगी और उनके सर पे है कुरान Good wishes for your married life. Thank you. Officially married now. So the time is now 2:45 and we come to the end of the vlog. और सब कुछ smoothly हो गया मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है शादी capture करने की and I hope I did it good. अब ये edit करने के बाद ही पता चलेगा और if you like my work, you can like this video, subscribe to my channel and comment section में अपना comment भी छोड़ सकते हैं. So I'll see you next time in the next vlog. I am Abu Huraira signing off.